अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू रक्षा सर। मैं अली हसन वकन मशा के साथ आपको एक नए ट्यूटोरियल में खुश आमदीद करता हूँ। जैसे कि पिछली बार हमने एमएस ऑफिस के काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस का एक्सेल। देखिए, हमारे पास एमएस ऑफिस का एक पैकेज आता है या फिर एक उसका हिस्सा आता है जिसे हम एक्सेल कहते हैं, एमएस एक्सेल। देखिए, ये हमारे पास एमएस एक्सेल खुल गया है। आप डायरेक्ट विंडोज़ आर में जाके इसे खोल सकते हैं। मैं एक दोबारा आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ आर प्रेस करेंगे, आप एक्सेल लिखेंगे और इंटर प्रेस करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो है मुख्तलिफ टेम्पलेट्स या वर्कबुक्स पड़ी हुई हैं। आप इन्हें यूज़ करना चाहिए, इन्हें यूज़ करें। फ़िलहाल मैं ब्लैंक वर्कबुक यूज़ करूँगा। देखिए, मेरे पास ये जो है एक्सेल का एक फॉर्मेट शीट खुल गया है, एक वर्कबुक खुल गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। जिस तरह एमएस ऑफिस हमारे पास था, सेम एग्जैक्टली ये भी उसी तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मेन्यू बार है। ये इनका हर मेन्यू का एक अपना रिबन है। ये मेरे पास कोई एक्सेस बटन है। ये मैं लॉगिन हुआ हूँ अपने नाम से। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना, ये वर्किंग एरिया, जैसे कि यहाँ पे हम अपने फार्मूलेस लिखेंगे जो कि एक्सेल के। आस्ता आस्ता मैं आपको सब सिखाता जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल की कुछ डिटेल दे दूँ। जैसे एक्सेल की रेंज है फ्रॉम ए टू, देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की दबाऊंगा। देखिए, मेरे पास लास्ट जो कॉलम का नाम आ रहा है वो है एक्स एफ डी, जो कि मेरे पास स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ए से। तो ए टू एक्स एफ डी है मेरे पास। देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स एफ डी आ गया है। और जो मेरे पास कॉलम्स टोटल हैं, या मेरे पास टोटल जो है यहाँ पे कॉलम जो एक्सेल में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 16384, बस 16384। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम्स, टोटल कॉलम्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा मेरे पास जो रोज़ यहाँ पर हैं, रोज मेरे पास हैं यहाँ पे 1048576, जो कि मेरे पास रोज हैं एक्सेल में। आप चेक करना चाहें, आप डायरेक्ट कंट्रोल और डाउन की प्रेस करेंगे, आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी शो कराता हूँ आपको। देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट रो है वो है 1048576। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दोबारा ऊपर चलता हूँ। चलिए, ये तो हो गया रोज़ और कॉलम्स। रोज़ जो मेरे पास टोटल्स हैं और कॉलम जो मेरे पास टोटल्स हैं, मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ जैसे हम वर्ड में करते थे। देखिए, कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, 16384। रोज़ मेरे पास कितने हैं, 1048576। और अब आ जाते हैं टोटल सेल्स। सेल्स मेरे पास कितने हैं, टोटल सेल्स जो मेरे पास हैं वो है 1717986918। देखिए, मेरे पास टोटल जो सेल्स हैं वो हैं, आसान मैं आपके लिए अलग लिखता हूँ, 1717986918, जो कि इसकी लास्ट टोटल सेल्स आप कह लें या टोटल लिमिट्स कह लें, ये वो है हमारे पास। ये मेरे पास कॉलम्स की तादाद होगी, ये रो की तादाद होगी और ये मेरे पास सेल्स होगी। अच्छा, कॉलम्स की रेंज कहाँ तक है, कॉलम्स की जो हमारे पास रेंज है वो कहाँ से है, वो है ए टू एक्स एफ डी, ए टू एक्स एफ डी। ए टू एक्स एफ डी रेंज हमारे पास है। देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये है, इसे मैं इसी तरह सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करूँगा और ये ऊपर वालों को सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें काम करना बिल्कुल आसान है। जिस तरह आप वर्ड में यूज़ करते थे, टाइटल्स बनाते थे, बोल्ड इटैलिक करते थे, या फिर जो है आप फॉन्ट यूज़ करते थे, ये बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह का आप फॉन्ट यूज़ करना चाहें, जो टेक्स्ट का साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड कलर रखना चाहे बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। टेक्स्ट का अपना कलर है, आप उसे रखना चाहें आप उसे भी रख सकते हैं। सेम एग्जैक्ट जिस तरह हम
काम कर रहे थे वर्ड में, ये भी इसी तरह काम करता है। देखिए कई ऑप्शन हमारे पास एमएस ऑफिस के हर पैकेज में सेम है। आप एमएस वर्ड में जो काम कर सकते हैं वो काम आप एमएस एक्सेल में भी कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में जो काम कर रहे हैं वो एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। वर्ड का हर पैकेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे ये सब में है, जहाँ तक फार्मूला लगाते हैं, मैं आपको एक फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये है फार्मूला लगाना, इसमें बहुत आसान है। जिस तरह यहाँ पे ये दिया, हम इक्वल लगाएंगे। और जो सबसे आसान तरीका हमारे पास, देखिए हम सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास D4 ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे, देखिए हमारे पास ये D5 आ गया। इसके बाद मैं लगाता हूँ प्लस, और ये आ गया मेरे पास D6। तो टोटल जैसे ही मैं इंटर मारूंगा, ये मेरे पास टोटल तादाद आ गई इनका सम। और इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे फार्मूला यहाँ पे दिखा देगा। तो ये था एक सिंपल और आसान, जो था मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, सिंपल और आसान तरीके से जो है एक्सेल को यूज़ करने का तरीका। आपके पास बाकी जो है रैपटेक्स है, बिहाइंड टेक्स है, जो है मर्ज एंड सेंटर है, जिस तरह इन दोनों को सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, आप पकड़ के मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। ओके करें, यहाँ से देखें ये मर्ज हो गया, सिर्फ रॉ नज़र आ गया, सेल चला गया। या फिर ये दो सेल्स हैं, आप इनको मर्ज करना चाहते हैं, देखें ये एग्जैक्टली इसी तरह मर्ज हो गए। दो से ज़्यादा करना चाहते हैं आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई तस्वीर है उसे आप रैपटेक्स करें, पीछे ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे रैपटेक्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है, जिसके बारे में हम आपको आस्ता आस्ता आगे दिखाते जाएंगे। बाकी कट पेस्ट ऑप्शन जो है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जिन लोगों ने हमारा लेक्चर जो है कट पेस्ट कॉपी का नहीं देखा, वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और उसके बेसिक सीख सकते हैं वर्ड के ट्यूटोरियल के। तो थैंक यू व्यूअर्स, इसके साथ एक नए ट्यूटोरियल में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।